एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई फाइनली किंग खान शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान का टीजर आ चुका है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। टीजर के शुरू में देखने को मिल जाता है जबरदस्त एंट्री सीन शाहरुख खान का, जिसपे भाई गूजबम्स आने तो गारंटेड है थिएटर में। मैं बता रहा हूँ सीटें फटने वाली। ये फिल्म डायरेक्ट करी है सिद्धार्थ आनंद ने, और सिद्धार्थ आनंद ने बनाई थी वॉर। अब वॉर में तुमने ऋतिक रोशन का अगर एंट्री सीन देखा था ना भाई, सीटियां बज रही थी थिएटर में, इतना जबरदस्त एंट्री सीन था वो। और वैसा ही एंट्री सीन शाहरुख खान का हो गया ना इस पठान में, प्लस वो जो डॉन टू वाली वाइब्स और मिल जाए ना, उसका आतंक मच जाएगा थिएटर में भाई, हल्ला ही हल्ला। ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी ये होगी, ऐसा लग रहा है पूरा टीजर से। शाहरुख खान कमबैक कर रहे हैं पूरे 4 साल बाद, और 4 साल बाद अगर कमबैक ऐसा होता है तो भाई तुम अक्षय कुमार को भी 4 साल की छुट्टी पे भेज दो प्लीज, बर्दाश्त नहीं होता भाई। बंदा 4 फिल्में 5 फिल्में बना रहा है, 1 साल में सारी फ्लॉप। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इस साल यशराज की 4 फिल्में आई थी, सबसे पहली बंटी बबली 2, जयेश भाई जोरदार, शमशेरा और पृथ्वीराज चौहान, और चारों की चारों भाई सुपर डुपर फ्लॉप रही। यशराज फिल्म्स को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था, और ये अकेली फिल्म मैं बता रहा हूँ सबका भरपाया कर देगी भाई, जिस हिसाब से वाइब्स आ रही है बहुत जबरदस्त। टीजर पूरा फुली पैक है एक्शन से, एक्शन भरपूर है। टीजर इतना जल्दी जल्दी भागता है कि एक्शन सीन तुमको बहुत थोड़े देखने को मिलते हैं, और यही तो खासियत है कि मतलब टीजर में ऐसा फास्ट पेस चाहिए कि पता रहे कि भाग रही है फिल्म, तो टीजर की खासियत होती है, और टीजर ने बहुत अच्छे से ये काम कर दिया है। अच्छा, कुछ सीन्स टीजर में आउटस्टैंडिंग थे, जैसे कि वो सबसे बढ़िया गन वाला सीन था, जो गन उछल के और एकदम हाथ में आती है भाई, अलग लेवल सीन था वो। जो शाहरुख खान बाइक लेके ऊपर से बम फेंकते गाड़ी में भाई, वो भी अलग लेवल लगा मुझे तो। शाहरुख खान के अलावा टीजर में देखने को मिलता है दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, जो कि थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, लुक उनका काफी डिफरेंट है और एक्शन भी करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मुझे एक बहुत बढ़िया चीज टीजर में देखने को मिलती है, वो है जॉन अब्राहम। कहा जा रहा है कि ये विलन का ही कैरेक्टर है, और भाई इतना तगड़ा विलन तो चाहिए था शाहरुख खान के सामने। अरे ऐसी थोड़ी है यार, शाहरुख खान हो रहा है वो फिल्मों में, जानते हो। जो बीजीएम बज रहा था वो भी अपनी जगह पे काफी तगड़ा हिट कर रहा है, और बहुत बढ़िया वाइब्स दे रहा है बीजीएम भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पठान के टीजर को लेके एक और हो जाती है कि ये वाईआरएफ फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म है। स्पाई यूनिवर्स, हाँ यार, यशराज फिल्म्स अपना खुद का स्पाई यूनिवर्स बना रहा है। लाइक एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, उसके बाद आई वॉर जिसमें ऋतिक रोशन कबीर एक स्पाई होते हैं, अब पठान, पठान में भी ये स्पाई का रोल प्ले कर रहे हैं कि मिशन मिला था, और वो सारी चीजें टीजर में भी देखने को मिली है। सबसे नेक्स्ट लेवल बात जो इस मूवी में होने वाली है, हमें कैमियो देखने को मिलेगा सलमान खान, प्लस कहा जा रहा है कि भाई ऋतिक रोशन का भी कैमियो हो सकता है। अब तुम इमेजिन कर लो, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन तीनों एक साथ एक फिल्म में, भाई तुम पागल हो गए हो क्या? क्या चाहते हो भाई, दंगे कराना चाहते हो क्या तुम थिएटर में? तीनों एक्टर, इतने बड़े एक्टर जब एक साथ एक ही स्क्रीन पे आएंगे और इनका कोई बहुत बढ़िया एक्शन सीक्वेंस हो गया साथ में, आग लग सकती है भाई, आग लगा दी। टोटल टीजर एकदम धमाकेदार निकला पठान का, पूरा पैसा वसूल टीजर लग रहा है, और फिल्म में ऐसा लग रहा है कि बहुत तगड़ा कमबैक होने वाला है अब शाहरुख खान का। शाहरुख खान की अगले साल 3 फिल्में आ रही है एक साथ, 4 साल एक भी फिल्म नहीं, एक साल में 3 फिल्में हैं, बहुत चेंट हो रहे हो। तो 3 फिल्में आ रही है, पठान के बाद सीधा आएगी जवान, जो कि अतली डायरेक्ट कर रहे हैं, और उसमें सुपरस्टार तलपति विजय का भी 10 मिनट का सीन है भाई पूरी मूवी में, वो भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। उसके बाद राजकुमार हिरानी की डंकी भी आने वाली है जो शाहरुख खान के साथ है। अब राजकुमार हिरानी यार 3 इडियट्स, मुन्ना भाई डायरेक्टर गजब है यार, तुमको भी पता है, और शाहरुख खान साथ में मिल जाएगा तो हिट तो होनी है। ये बोला जाए कि अगला साल शाहरुख खान के नाम पहले से ही हो गया है तो कुछ गलत नहीं बोला जाएगा, बात तो सही है। तो ये था मेरा टेक पठान के टीजर पे, आपको ये टीजर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आने वाले टीजर्स और ट्रेलर और मूवी रिव्यूज के लिए भी मेरे चैनल को जरूर फॉलो करते रहना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना। मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।